ये हमारी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को दिखा रहा है ये चार्ट। इसमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं और उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है। प्रेसिडेंस का मतलब उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। जैसे कि ये इसमें बताया गया है कि सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट राउंड में है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, अगर कोई स्क्वायर में है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। इस तरह का कोई एरो ऑपरेटर है स्ट्रक्चर का ये, तो उसको पहले ऑपरेट किया जाएगा। डॉट ऑपरेटर है तो उसको पहले, उसके बाद ये इस तरीके से चलते चलते जो हमारा बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला होता है बॉडमास वाला, उसी तरह से ये ऑपरेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, फिर उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर, फिर प्लस और फिर माइनस, इस तरीके से ये चलेगा। उसके बाद ये हमारे पास ये शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, कुछ लेस देन ग्रेटर देन इस तरह के हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, कि हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं एंड डॉट नॉट वगैरह। तो इस तरीके से ही इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा, इसको प्रेसिडेंस भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है वो लेफ्ट टू राइट ऑपरेट की जाएगी कि राइट राइट टू लेफ्ट की जाएगी। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि किस किस प्रकार से ऑपरेटर्स को ऑपरेट किया जाएगा। इस तरह के ऑपरेटर्स जैसे कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं वो हमारे राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, बाकी सब जो हैं वो लेफ्ट टू राइट की तरफ ऑपरेट होते हैं। ये इसमें बताया गया है। यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स हैं जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूनिटरी ऑपरेटर, ये जो है ये राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। बाकी हमारे जो नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह वो सब हमारे लेफ्ट टू राइट चलते हैं।